ड्यूअल कंट्रोल को लेकर जीएसटी काउंसिल में नहीं बनी बात। सीजीएसटी एसजीएसटी बिल को लेकर हुई चर्चा अब 3 और 4 जनवरी को दोबारा होगी बैठक। आईजीएसटी और ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा संभव। जीएसटी के मुआवजे की बढ़ सकती है मांग। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमित मित्रा, नोटबंदी से राज्यों के टैक्स कलेक्शन में आएगी कमी, 1 लाख करोड़ मुआवजे की होगी जरूरत। दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच पर इनकम टैक्स का छापा, ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप। 8 खातों में जमा हुए 32 करोड़ रुपए, बैंक की सफाई, फर्जी नहीं है खाते। दिल्ली में 3 बड़े ज्वेलर्स के यहां इनकम टैक्स का छापा, नोट बैन के बाद तीनों पर 250 करोड़ का सोना बेचने का आरोप। उठापटक के बीच हुआ बाजार में कारोबार। कारोबारी सत्र में निफ्टी ने 7,950 का स्तर तोड़ा, सेंसेक्स 61, निफ्टी 7 अंक चढ़कर बंद। शुगर, लेकर कैपिटल गुड शेयरों में रही खरीदारी। आज टाटा केमिकल्स के बोर्ड से नुसरी वारिया को हटाने पर होगी वोटिंग। वारिया ने रतन टाटा और टाटा सन्स के खिलाफ दर्ज कराया आपराधिक मानहानि का केस। दो सौ 55 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने किया डीलिस्ट। अब सीबीडीटी करेगी इन पार्टियों के मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन की जांच। सरकार ने आसान किए पासपोर्ट बनाने के नियम, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार, पैन कार्ड भी होगा मान्य। यात्रियों के लिए जेट एयरवेज का नया फरमान, पावर बैंक से लेकर सफर करने पर लगाई रोक। लगेज के साथ चेक इन में डालना होगा पावर बैंक, मोबाइल चार्जर पर रोक नहीं। सिनेमाघरों में आमिर खान की दंगल, दर्शकों को पसंद आई महावीर फोगट और उनकी बेटियों की संघर्ष की दास्तान। सलमान बोले, सुल्तान से अच्छी है दंगल।